हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एम्स ऋषिकेश के सीधी भर्ती 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एम्स ऋषिकेश में सीधी भर्ती होने जा रही है फैकल्टी ग्रुप ए के लिए, जहाँ पर आपका सिलेक्शन बिना किसी एग्जाम के इंटरव्यू के द्वारा होने जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं 15/4/2020 से 31/7/2020 तक। दोस्तों, आवेदन करने से पहले आपको जानना होगा फैकल्टी ग्रुप ए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, और आप इसकी PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हो, जो कि यह पूरी डिटेल मैं आपको आगे इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एम्स ऋषिकेश के सीधी भर्ती 2020 की पूरी डिटेल के बारे में। तो चलो शुरू कर लेते हैं। बिना वक्त गवाए ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश, जहाँ पर फैकल्टी ग्रुप ए के लिए भर्ती होने जा रही है। पोस्ट है प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके लिए वेरियस वैकेंसी निकली है। दोस्तों, मैक्सिमम एज पर एक नज़र डाल लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50 साल, एडिशनल प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए 58 साल। दोस्तों, अब देख लेते हैं आपको एज में कितनी छूट मिलने वाली है। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलने वाली है। PWD/OPH कैंडिडेट को 5 साल की छूट, गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 साल की छूट और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलने वाली है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए किस पोस्ट पर क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। प्रोफेसर के लिए MD/MS क्वालिफिकेशन करने के बाद टीचिंग या रिसर्च सेक्टर में 14 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसी प्रकार एडिशनल प्रोफेसर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों, अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी आपको कितनी जमा करनी है। जनरल और OBC मेल कैंडिडेट को 3,000 रुपये, जनरल और OBC फीमेल कैंडिडेट को 1,000 रुपये, SC/ST कैंडिडेट को 500 रुपये और OPH कैंडिडेट को 250 रुपये जमा करने हैं, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा जमा किए जा सकते हैं। दोस्तों, एक नज़र मार लेते हैं सैलरी पैकेज पर, आपको किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलने वाली है। प्रोफेसर के लिए 1,68,900 से 2,20,400 रुपये, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1,48,200 से 2,11,400 रुपये, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,38,300 से 2,09,200 रुपये मिलने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,01,500 रुपये से 1,67,400 रुपये सैलरी के रूम में मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपका सिलेक्शन यहाँ पर बिना किसी एग्ज़ाम के इंटरव्यू के द्वारा होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की जो आपको इंटरव्यू के समय लेकर जाने हैं, वो है एज प्रूफ और आधार कार्ड, रेजिडेंट प्रूफ, क्वालिफिकेशन प्रूफ, NOC, रिजूर कैटेगरी डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेडिकल काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन इंडेक्स जर्नल्स, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। दोस्तों, आप इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है 15/4/2020 और लास्ट डेट है 31/7/2020। जी हाँ दोस्तों, आप इसके लिए 31/7/2020 तक आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है emsrishikesh.edu.in, जिसके द्वारा आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इस रिक्रूटमेंट की पूरी डिटेल आसानी से चेकआउट कर सकते हो और फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं।